टेलीविजन सीरियल उड़ान में आ गई है इमली वापस। चकोर को हमेशा डर सताता था कि इमली उसकी बेटी को उससे दूर कर रही है, लेकिन सूरज ने चकोर को इस बात पर काफी डांटा और कहा कि ये तुम्हारा वहम है। लेकिन अब चकोर का डर हकीकत में बदलता नजर आ रहा है। इमली रूप बदल कर घर आई है और चकोर और सूरज को जाल में फंसा कर उनकी बेटी के करीब आने की कोशिश कर रही है। अब क्या होगा आगे? क्या इमली दूर कर देगी चकोर से उसकी बेटी को? टेलीविजन सीरियल की ऐसी खट्टी मीठी खबरें देखते रहिए हमारे चैनल में, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और को काफी डांट दिया सूरज ने, बिकॉज वो पैरानॉइड थी कि इमली वापस आ गई है और वो सानवी को कुछ नुकसान पहुंचाने वाली है, ऐसा उसे लग रहा था। तो सूरज गुस्सा हो गया था, तो अब उसका मूड ठीक करने के लिए, मूड तो वैसे ठीक है उसका, वो समझ गई, लेकिन अपनी तरफ से एक सॉरी बोलने के लिए या फिर एक एफर्ट लेने के लिए वो उसने कुछ सेटअप किया है हॉल में जो वो उसे दिखाना चाहता है। ओके, ये सरप्राइज चकोर को मिल तो रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आइडिया इमली का था? इमली का आइडिया नहीं है, अर्चना का आइडिया नहीं है, इमली अर्चना जो भी आप कहें, लेकिन सूरज के लिए अर्चना है। उसने आइडिया नहीं दिया था, लेकिन उसने कुछ ऐसा बोला था कि आपको कभी भी किसी औरत का दिल जीतना हो तो उसके लिए दो चीज़ें प्यार से करेंगे तो वो मान जाएगी, तो वो उससे उसे कुछ थॉट आया। ओके, इमली की झलक चकोर को मिल चुकी है, तो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है? अभी फ़िलहाल मैं कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, क्योंकि मुझे कहा गया है कि तुम परेशान हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, इसलिए मुझे इन्वेस्टिगेशन क्या होता है कई बार कांस्टेबल जो हैं अगर किसी चीज़ पर शुरू हो जाते हैं तो अगर उनके ऊपर सुपीरियर कोई बोल दे कि ये इन्वेस्टिगेशन अभी के अभी रोक दो तो वो रुक जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ हुआ है। ठीक है, लास्ट जानना चाहेंगे विवान की एंट्री पड़ेगी अनोखे अंदाज में जी, वो जो अभी कुछ हो रहा है जो सरप्राइज इन्हें दे रहे हैं, तो एक तस्वीर हमारे दोनों के लिए एक सरप्राइज है, एक तस्वीर है जिसके अंदर से वो निकलेंगे तो वो तो आप कैप्चर करेंगे ही, सो बट इट इज़ गोइंग टू बी फन, और बहुत आगे मसाला है, बहुत ड्रामा है, सो देखते रहिए उड़ान।